चाइना टू यूरोप जो है वो मंदी का गियर जो है वो लग चुका है और ये वर्ल्ड वाइड फियर है। ध्यान से देखें आप क्या हो रहा है, क्योंकि एक तरफ वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ पहले कोरोना से उबर रहे हैं लोग और अब हालत खराब है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सुपर पावर बनने का सपना देखने वाले चीन समेत यूरोप के कई देश, जर्मनी, इटली, यहां तक कि यूके भी मंदी की दहलीज पर खड़े हैं। उनकी इकोनॉमी संकट में कैसे, आज हम इसका पूरा एनालिसिस करके आपको दिखाएंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि क्यों यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में लोग सड़कों पर हैं, क्यों दुनिया के एक देश में चीनी के लिए लूट मची हुई है, क्यों यूरोप की एक कंट्री में जनता अपने एनर्जी बिल की कॉपियां जला रही है, तो क्यों है मंदी का वर्ल्ड वाइड फियर। पूरी डिटेल में यह खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर, एशिया पैसिफिक के लिए वर्ल्ड बैंक का आर्थिक अनुमान। सिर्फ ब्रेकिंग रखिए, 2022 में इकॉनमी की गति 5% से घटकर 3.2% हुई, अप्रैल में 5% की गति से बढ़ने की भविष्यवाणी की गई थी। 2023 में चीन की ग्रोथ 4.5% रहने का अनुमान जताया गया। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, बड़ी खबर यह है कि चीन की आर्थिक तरक्की पर वर्ल्ड बैंक की बड़ी भविष्यवाणी, 32 साल में पहली बार चीन में आ सकता है आर्थिक संकट, इकोनॉमिक आउटपुट एशिया की इकोनॉमी से पीछे रहने के आसार। नब्बे के बाद पहली बार इकोनॉमिक ग्रोथ में सुस्ती की आशंका, ये दोनों तस्वीरें, ये दोनों ब्रेकिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूं, सिर्फ ये दोनों ब्रेकिंग्स दिखाई है। ये देखिए पूरी दुनिया का हाल और चीन का हाल क्या हो रहा है, इस सब के बीच में वर्ल्ड बैंक की दो बड़ी भविष्यवाणी आई हैं। ध्यान से देखिए, एशिया पैसिफिक के लिए वर्ल्ड बैंक ने आर्थिक अनुमान जो है वो घटाया है, चीन और एशिया पैसिफिक आर्थिक अनुमान घटाया। यहां पर 32 साल में पहली बार चीन में आर्थिक संकट की आशंका, इंजन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी चाइना, उसका यह हाल है, इकोनॉमिक आउटपुट एशिया के कई देशों से पीछे रहने के आसार, भारत भी इनसे आगे रहेगा। 2022 में क्षेत्र की इकोनॉमी 3.2% की गति से आगे बढ़ने का अनुमान। नेक्स्ट दिखाइए, आर्थिक संकट के पीछे चीन की जीरो कोविड पॉलिसी जिम्मेदार, अप्रैल में इकोनॉमी के 5% की गति से बढ़ने की भविष्यवाणी की गई थी, दुनिया की जिनपिंग की गलत नीतियों की वजह से संकट गहरा गया चीन में। दुनिया की अगर बात की जाए, एशिया पैसिफिक की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चीन की ग्रोथ 2.8%। 2023 में चीन की ग्रोथ जो थी, अगर मैं आपको उसको बताऊं, वो 4.5% रहने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन यहां पर 1990 के बाद पहली बार इकोनॉमिक ग्रोथ में सुस्ती की आशंका है, इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो कम हो गया।